पिछले वीडियो में हमने गर्भ संवाद के महत्व के बारे में जाना था और गर्भ संवाद के मेथड्स के बारे में चर्चा की थी। तो आइए इस वीडियो में हम इसके विभिन्न मेथड्स को देखते हैं और समझते हैं। तो गर्भ संवाद की पहली टेक्निक है स्वाध्याय के द्वारा। स्वाध्याय मतलब कुछ अच्छी किताबों को पढ़ना, ना केवल पढ़ना बल्कि उसके बारे में, उसमें जो चीज़ें हमने पढ़ी है उसका चिंतन मनन करना, उन चीज़ों को सोचना। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि गर्भस्थ शिशु सोल कॉन्शियस होता है, तो जो भी चीज़ें हम किताबों में पढ़ते हैं और उसको अंदर ही अंदर जब हम उनका चिंतन मनन करते हैं तो वो धीरे धीरे बच्चे के मस्तिष्क में और अचेतन मन के अंदर चला जाता है और वही गुण बच्चे में विकसित होते चले जाते हैं। तो ये भी गर्भ संवाद का एक तरीका है। दूसरा तरीका है कहानियाँ सुनाकर। बच्चे हो या बड़े, कहानियाँ सुनना सबको अच्छा लगता है। तो जैसे महापुरुषों के जीवन की कहानियाँ, घटनाएँ या कुछ ऐसी प्रेरणाप्रद कहानियाँ जिससे कुछ मॉरल या कुछ नैतिक शिक्षा मिलती हो, वो भी हम जोर जोर से बोल करके बच्चों को सुना सकते हैं। हमने पहले भी बताया कि बच्चा 24 घंटे में माँ के बोले हुए 5000 शब्दों को सीख लेता है। तो चाहे उन कहानियों को हम मन में पढ़ें या जोर से, लेकिन बच्चा वो सारी चीज़ें अपने अंदर ग्रहण करता है, तो उसके माध्यम से भी हम उसे बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तीसरा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका गर्भ संवाद का है संगीत के द्वारा। संगीत की स्वर लहरियाँ जब बच्चे के मस्तिष्क में पहुँचती है और बच्चा वैसे भी गूंजने वाली ध्वनि के प्रति अपना रिस्पॉन्स, अपनी प्रतिक्रिया बहुत पॉजिटिव वे में और बहुत अच्छे से देता है, तो जब मधुर संगीत और ख़ासकर बांसुरी की धुन बच्चे को बहुत पसंद होती है, गर्भस्थ शिशु इसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया काफ़ी अच्छी देता है। तो इसके द्वारा भी हम बच्चों को गर्भ संवाद कर सकते हैं बच्चे के साथ, और यदि उस संगीत में कुछ प्रेरणाप्रद शब्द हैं तो वो भी बच्चा अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। चौथा एक तरीका गर्भ संवाद का है ध्यान के द्वारा, जिसे हम मेडिटेशन भी कहते हैं। ध्यान में हालांकि हम मुँह से कुछ बोलते नहीं हैं, मगर जो हम जिस चीज़ का ध्यान करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, उदाहरण के लिए यदि हम सूर्य का ध्यान कर रहे हैं तो हम ये भावना करते हैं कि सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की शक्ति हमारे गर्भस्थ शिशु के अंदर नाभि के द्वारा होते हुए जा रही है और बच्चे के अंदर वो ऊर्जा फैल रही है, बच्चे की रेजिस्टेंस पावर बढ़ रही है। ऐसी कितनी ही चीज़ें हम मन में सोचते चले जाते हैं, तो ध्यान में जिन चीज़ों को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं वो सारे गुण बच्चे के अंदर और वो सारी चीज़ें बच्चे के अंदर उतरती चली जाती है। तो ये भी गर्भ संवाद का एक तरीका है। और जहाँ हमने बांसुरी की धुन की बात की, इसमें नाद योग एक ऐसी स्वर लहरी है जो आपको YouTube में भी उपलब्ध हो जाएगी नाद योग के नाम से। यदि 15 मिनट का ये ध्यान हर गर्भवती महिला कर सकती है और करती है तो निश्चित तौर पर बच्चे का मस्तिष्क बहुत अच्छे तरीके से विकसित होता है। गर्भ संवाद का पांचवा तरीका है पारिवारिक आपसी बातचीत के द्वारा। इस चीज़ के लिए हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। 9 महीने बच्चा जहाँ गर्भ में है वहाँ वो हमारी पूरी बातें देख भी रहा है, सुन भी रहा है, और ना केवल देख सुन रहा है बल्कि उससे बहुत कुछ सीख भी रहा है और वही गुण उसके व्यक्तित्व में आते जा रहे हैं। इसलिए जब हम आपस में बात करें, चाहे माता पिता, चाहे परिवार के और दूसरे सदस्य, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमारे एक एक शब्द बच्चे के अंदर उसके संस्कार बन करके उसके अंदर जा रहे हैं। तो आपसी बातचीत कुछ इस तरीके की हो जिससे बच्चे को सीखने के लिए मिले। जैसे यदि माता पिता आपस में चर्चा कर रहे हैं तो कुछ अच्छे गुणों की या किसी की अच्छे गुणों की चर्चा करें, किसी की तारीफ करें या अच्छी ही बातें करें, तो ये भी एक गर्भ संवाद का तरीका है। छठवां तरीका गर्भ संवाद का है, इसमें माँ को अपने बच्चे के अंदर कुछ अच्छे संस्कारों की स्थापना करनी है। ये कैसे संभव है? यदि गर्भवती माँ अपने परिवार के किसी भी सदस्य, चाहे वो उनकी सास हो, चाहे बुआ, चाहे चाचा या पिता, किसी भी एक सदस्य के 4 या 5 गुणों को रोज़ अपने बच्चों को बताती चली जाए, तो वो सारे के सारे गुण, परिवार के हर सदस्य के गुण रोज़ सुनते सुनते बच्चे के अंदर अपने आप चले जाएंगे। और वहीं यदि माँ उनकी बुराइयाँ करती है या उनके दुर्गुणों के बारे में सोचती हैं
तो इसके लिए हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सारी बुराइयाँ एक दिन उस बच्चे के व्यक्तित्व में उभर कर आ जाएगी। इसलिए संस्कारों की स्थापना परिवार के अच्छे गुणों की चर्चा के साथ करें। अगला गर्भ संवाद का जो तरीका है वो बहुत ही, या हम ये कह सकते हैं कि ये तरीका सामयिक है। इसमें माता जो समाज में हो रहे अच्छे कार्यों को देखती है, सुनती है, या न्यूज़पेपर में पढ़ती है या न्यूज़ चैनल में देखती है, तो उसकी चर्चा अपने बच्चे से करें। उसे ज़रूर बताएं कि देखो बेटा, समाज में ये अच्छे काम हो रहे हैं, इन्होंने ये अच्छा काम किया, आज ये चीज़ मैंने देखा, ये मुझे अच्छा लगा। आप ये विश्वास रखकर सारी चीज़ें बच्चों को बताएं कि बच्चा सारा कुछ गर्भ में सुन के सीख रहा है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क एक प्रौढ़ मस्तिष्क की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा ग्रहणशील होता है, तो वो सारे अच्छे कार्यों के करने के गुर उसके अंदर आते चले जाएंगे। अगले क्रम में गर्भ संवाद, हमें जैसे आदत होती है टीवी सीरियल्स देखने की, तो कुछ ऐसे प्रेरणादायी और श्रेष्ठ जिससे मन को सुकून और कुछ सीखने के लिए मिले, ऐसे सीरियल्स हम देखें ताकि बच्चा उसमें से भी कुछ सीखे और उससे एक बातचीत हो सके। बातचीत केवल हम ही नहीं करते, हम कोई चीज़ जो टीवी में देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो भी बच्चे से बातचीत करने का ही एक तरीका है। आदर्श दिनचर्या, हर माता पिता ये चाहते हैं कि उसका जो शिशु है, जो उसका जो बच्चा है, वो एक आदर्श दिनचर्या जिए, उसका क्रम, जीवन क्रम सब व्यवस्थित हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सारे गुण हम उसको गर्भ में ही सिखा दें। माँ सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक अपनी सारी दिनचर्या के बारे में बच्चे से बात करती चली जाए, काम करते करते वो उसे बताती चली जाए। जैसे यदि माँ सुबह उठती है तो बच्चे को कहे कि बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है, आप उठिए और सूर्य भगवान को प्रणाम कीजिए, हाथ के दर्शन कीजिए। कहने का मतलब ये कि आप जो भी आदर्शवादी कार्य कर रहे हैं दिन भर, उस सब की चर्चा बच्चे से करते जाइए। जैसे रात में सोने के पहले बच्चे से कहना है, बेटे अब सोने का समय हो गया है, 10 बज गया है, अब एक अच्छी सी कहानी हम सुनेंगे और फिर सोएंगे, और 5 बार हम गायत्री मंत्र बोल के सोएंगे ताकि इस मंत्र की ऊर्जा रात भर हमारे अंदर समा जाए। इस तरीके से दिन भर भी जो हम कार्य करते हैं, जैसे आप पानी पी रहे हैं, तो जो बच्चे से कहेंगे बेटा पानी पी रहे हैं, पानी खूब पीना चाहिए दिन भर, देखिए हम पौष्टिक भोजन खा रहे हैं, हम फल खा रहे हैं, आप भी फल खाइए। इस तरीके से आप जैसे किताब पढ़ रहे हैं, इस तरीके से जो अच्छी चीज़ें आप दिन भर में करती हैं वो एक बार बच्चे को ज़रूर बता दीजिए। ये भी एक गर्भ संवाद करके बच्चे की दिनचर्या या अच्छे गुणों को उसके अंदर सेट करने का एक तरीका है।